तो आज हम इस वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए. द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 10 sin 2 पाई t माइनस 0.005x. हमसे पूछा गया एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि इक्वेशन क्या थी. ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये थी ना इक्वेशन. पहले तो ये 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इस 2 पाई को जैसे अंदर मल्टीप्लाई किया, 10 साइन 2 पाई टी माइनस 2 पाई इंटू 0.005x, ये बन गया. अब कंपैरिजन करते हैं. कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इज 2 पाई. ठीक है, हमें पूछा गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना आ गया, एम्पलीट्यूड 10 आ गया, सेंटीमीटर में आई है सब कुछ. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में आ गया. आपको गिवन है कि ये जो इक्वेशन है वाई दिस इज इन सेंटीमीटर. क्लियर, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ, 2 पाई बाय कैपिटल टी, 1 बाय कैपिटल टी एफ होता है. तो यहां से एफ कितना आ गया, 1 हर्ट्ज. क्लियर हो गया ये चीज. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लैम्डा की. लैम्डा कहां से निकलेगा, लैम्डा हमेशा देखो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से निकलेगी, लैम्डा के से निकलेगा. के कितना है, के इज 2 पाई इंटू 0.005 एंड के वैसे क्या होता है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या थी, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई इंटू 0.005 ये कैंसिल. तो लैम्डा कितना आ गया, 1 बाय 0.005. इसको डिवाइड कर लो, ऊपर 1000 चला जाएगा, नीचे 5, 200 आ गया बच्चों. 200 लैम्डा के यूनिट क्या होते हैं, लैम्डा मीटर या सेंटीमीटर, ये किसमें, सेंटीमीटर में. तो यहाँ पे क्या आ गया, 200 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया ये चीज. उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ वेव. तो क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में आपको, वेलोसिटी ऑफ वेव वो कैसे निकलती थी, मेगा बाय के, या बोल दो कॉफिशियंट ऑफ टी बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स, है ना. तो कॉफिशियंट ऑफ टी कितना है, 2 पाई जो मेगा की वैल्यू, और के कितना था, 2 पाई इंटू 0.005, ये कैंसिल हो गया. यही था ना, ओमेगा बाय के ही था. तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 1000 ऊपर चला गया, यहाँ पे ये 5 नीचे, कैंसिल किया तो 200 सेंटीमीटर पर सेकंड. मेक श्योर दिस इज नॉट इन मीटर पर सेकंड. अगर उसने मीटर में बोला तो आप यहाँ पे इसको चेंज करोगे सेंटीमीटर को किसमें, मीटर. कोई डाउट यहां तक, क्लियर हो गया चीज. नेक्स्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब एम्पलीट्यूड बोला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का. तो पार्टिकल की वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या था, पार्टिकल कौन सा मोशन करता था, SHM, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको. और SHM में मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ए, ओमेगा इज 2 पाई, ए इज 10, तो 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड. क्लियर हो गया चीज, नोट कर. तो नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 मीटर पर सेकंड. आपसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव की स्पीड गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो वेव की वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज. फेज डिफरेंस पूछा गया है इन रेडियन, फेज डिफरेंस मतलब डेल फाई, और किन दो पॉइंट्स का जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर. तो डेल्टा एक्स कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर. तो पिछली क्लास में ही मैंने आपको फेज चेंज विद टाइम भी बोला था कैसे निकालते हैं, और फेज चेंज विद पोजीशन भी बोला था. क्या फॉर्मूला था, फेज चेंज इज के इंटू डेल्टा एक्स, यही था. नेगेटिव साइन आता था वो मैंने बोला, सिर्फ क्या बताता है लैग या लीग, मैग्नीट्यूड में तो यही था. अगर आप पोजीशन के साथ या डिस्टेंस के साथ देखते हो तो ये फॉर्मूला है, और अगर आप टाइम के साथ देखते हो तो फिर क्या आता था, ओमेगा इनटू डेल्टा टी. अभी हमें डिस्टेंस का बोला है तो हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के. के कैसे निकलेगा बताइए, के क्या होता था, 2 पाई बाय लैम्डा, है ना. तो मुझे लैम्डा चाहिए, लैम्डा कैसे निकलेगा, लैम्डा इज वेवलेंथ. आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपके पास वेलोसिटी है, क्या वेवलेंथ नहीं निकल सकती, क्या फॉर्मूला होता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में बताइए, वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना ये चीज. ठीक है, तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो ना, कितनी आ गई, वेलोसिटी इज 20
एंड फ्रीक्वेंसी इज योर 15, ये कैंसिल हुआ कितना आ गया 2/5, ये किस में निकली है मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको डेल्टा एक्स दिया है वो किस में दिया है सेंटीमीटर, तो आपको दोनों डिस्टेंसेस सेम में लेने पड़ेंगे। तो मैं इसको कन्वर्ट करने लगा हूं, 2/5 × 100 कर देते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये 20 गया और यहाँ पे कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, तो वी हैव लैम्डा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं हमें, हमें डेल फाई में वेलोसिटी चाहिए नहीं, डेल फाई में तो सिर्फ डेल एक्स चाहिए, के और डेल एक्स के यूनिट सेम होने चाहिए, मतलब के में जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है तो डेल एक्स में भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, अब k इज 2π/λ × Δx, 2π/λ की जगह आ गया 40 सेंटीमीटर और डेल्टा x की जगह कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पे दिस, तो आंसर कितना आ गया π/2, तो कितना फेज डिफरेंस है π/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आपको पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन, नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें आपने इक्वेशन खुद लिखनी और हमें ये गिवन है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, आपको मैंने बोला था ना अगर पॉजिटिव एक्सिस में है तो इक्वेशन होती है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वही अगर नेगेटिव हो तो प्लस के एक्स, वही अगर वाई एक्सिस में हो तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखोगे वाई, ये के साथ जो लिखा जाता है वो बताता है किस एक्सिस में आपकी वेव जो है ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको मैंने बता दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बीच में नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको ए चाहिए, ओमेगा चाहिए एंड के चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए। गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है एम्पलीट्यूड गिवन है सीधा, ए कितना है 5 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, एंड वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में ही हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो 0.05 मीटर, ये डाटा गिवन है, एम्पलीट्यूड डायरेक्ट गिवन है, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इज 2π × f, 2π फ्रीक्वेंसी कितनी है 250, कितना आ गया 500π, पाए नहीं रहने देते, ठीक है। उसके बाद k कैसे निकलेगा, हमें v गिवन है बच्चों, k निकाल, v किसके इक्वल होता था, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, तो के किसके इक्वल आ गया ओमेगा बाय बी के, यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा कितना है 500 पाई और वेलोसिटी कितनी है 500, तो के कितना आ गया पाई, यहाँ वैल्यू इसको पुट कर दीजिए 0.05 साइन 500 पाई टी माइनस एक्स, पाई भी है ना साथ में 500, तो यहाँ पे ये आ गया पाई, क्लियर हो गया ये चीज, नोट। Now look at this next question, ये JEE NEET दोनों में आया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको एक वेव की इक्वेशन गिवन, वेव इक्वेशन है 10 sin 2π (nt − x/λ), ये इक्वेशन गिवन है और आपको ये बोला गया है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 times वेव वेलोसिटी, पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 4 times है किसकी वेलोसिटी के, वेव के। पूछा क्या है हमसे, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछी, ठीक है जी। अब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, ओमेगा इंटू ए के, 4 × वेव की वेलोसिटी कैसे निकलती है, ओमेगा बाय के, ये चीज होती है ना, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहां से के में लैम्डा आता है, के किसके इक्वल होता है 2π/λ, लैम्डा कहां चला गया ऊपर, यहां पे क्या आ गया a, तो यहां से a लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा पूछा ना उसने 2π a/4, क्लियर ये चीज। अब देखते हैं 2π a कितना है 10, यहां पे 10/4, ये चीज आ गई, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद कटिंग वटिंग कर दो, 2π 2 × 4, ये 5 कितना आ गया 5π, किसमें है यूनिट्स सेंटीमीटर, बाद में पाई की वैल्यू को पुट करके आप आंसर आगे निकाल सकते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, यहां पे आपको अगेन डिस्प्लेसमेंट गिवन है y इक्वल टू 2π × 10⁻⁴ − 0.02x cos 800t − 0.82x + π/2, यहां पे ये गिवन है, देखो
कि वाई को वाई के यूनिट्स क्या लेने, 10^-5 सेंटीमीटर. जैसे वाई मीटर या सेंटीमीटर नहीं है, वाई क्या है, 10^-5 सेंटीमीटर. मतलब आप वाई का जो भी आंसर निकालोगे उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 10^-5 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया ये चीज. टाइम सेकंड में है और एक्स के यूनिट्स क्या है, मीटर. ठीक है, अब पूछा क्या गया है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर फेस. कितना है फेस इस क्वेश्चन में, फेस कितना है, फेस है 800t - 0.82x + π/2. क्वेश्चन में इनिशियल फेस नहीं पूछा गया, दिस पाई बाय टू इज इनिशियल फेस, पाई नॉट. अगर इनिशियल फेस पूछा जाए देन पाई बाय टू, अगर पूरा फेस बोला है देन पूरा एंगल उत्तर. क्लियर हो गया चीज. तो फर्स्ट का ये आंसर है. सेकंड में उसने बोला फेस एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, तो फेस निकालना है, x को 0 t को 0 पुट कर दो, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी. कितना आंसर आ गया, पाई बाय टू, विच इज इनिशियल फेस. थर्ड, आपसे पूछा गया डेल फाइ व्हेन डेल्टा एक्स इज 20 सेंटीमीटर. फेस डिफरेंस पूछा है जब पार्ट डिफरेंस कितना हो, 20 सेंटीमीटर. वही जो पीछे करके है, डेल फाइ इज इक्वल टू के डेल एक्स. ये क्या मिलेगा हमें, फेस डिफरेंस में मैग्नीट्यूड मिलेगा. प्रॉपर देखना है तो साथ में क्या लगा दो, नेगेटिव से. अगर आपके ऑप्शंस में नेगेटिव भी है ना, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया कॉम्पिटेटिव में, आपके वहां पे नेगेटिव साइन है, देन कंसीडर द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ के. नहीं तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिंपल. क्लियर, यहां वैल्यूज को पुट कर दीजिए. के कितना है, कंपेयर करिए, के कितना है 0.82 और डेल्टा एक्स कितना बोला गया, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो मेरी बात, के यूनिट्स क्या होंगे, यहां पे प्रॉब्लम यही है बच्चों. देखो आपने एक्स की जगह 20 सेंटीमीटर ले लेना है. अब मुझे ये नहीं पता यहां पे मीटर में लेना है या किसमें लेना है, सेंटीमीटर. तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि के में नीचे कौन आता है, लैम्डा. जिसमें लैम्डा होगी उसी में किसको लेना है, एक्स को लेना है. क्लियर हुई ये बात. तो उसके लिए देखो क्योंकि फेस का कोई यूनिट नहीं है, तो जिसमें लैम्डा उसी में क्या आएगा, एक्स. अब के का यूनिट क्या है, यहां पे क्या एंगल के यूनिट्स होते हैं बताइए, एंगल के यूनिट्स नहीं होते ना. तो अगर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में माइनस हो रही है तो सिंपल सी बात है जो आंसर आएगा वो एंगल ही आएगा, और एंगल का यूनिट नहीं होता. एक्स किस में बोला गया, मीटर में. तो हमारा के किस में होगा, रेडियन पर मीटर में. क्योंकि के क्या होता है, 2π/λ. रेडियन को छोड़ो, सिर्फ मीटर इनवर्स. के होता है 2π/λ. तो यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स आएंगे मीटर माइनस वन. दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए ना, इसके मीटर माइनस वन, इसके मीटर कैंसिल होके नो यूनिट्स, एंगल के यूनिट्स होते नहीं. इसका मतलब के जो है हमें गिवन इस क्वेश्चन में, जो के हमें 0.82 गिवन है, वो किसमें है, मीटर इनवर्स में. तो हमें डेल्टा एक्स भी किसमें लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा. मेंशन किया है ना यहाँ पे एक्स किसमें, मीटर. इसलिए हमें डेल्टा एक्स भी किसमें लेना पड़ेगा, मीटर्स में. तो 0.20 सेंटीमीटर का कितना बन गया, 0.2. मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 × 4, 8 × 16, 0.164. दिस इज योर फेस. इज इट क्लियर. फिर अगला आपसे पूछा गया, फेस डिफरेंस एट अ गिवन प्लेस 0.6 मिलीसेकंड्स. टाइम कितना बीत जाए जब एक फिक्स प्लेस पे, जब टाइम कितना हो जाए 0.6 मिलीसेकंड. इसमें आपको टाइम में चेंज बोला गया है, टाइम में चेंज बोला गया है आपको, तो कितना आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल टी. ये चीज आएगा ना, अब टाइम का चेंज बोल दिया कि एक पॉइंट पे 0.6 सेकंड के बाद. बताइए तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहां पे, 800. टाइम का चेंज कितना बोला है, 0.6 मिलीसेकंड. टाइम किस में लेना पड़ेगा, सेकेंड्स में. 0.6 मिलीसेकंड को सेकेंड में चेंज करने के लिए 10^-3. क्लियर हुआ, ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 0.6 × 10^-3. सॉल्व करिए कितना आएगा, जल्दी जल्दी, 8 × 6 = 48. यहाँ एक नीचे 10, ये कैंसिल, 10 इसके साथ गया, 10^-2, तो 0.48. क्लियर हुआ ये चीज, नोट करिए. उसके बाद लास्ट है एम्पलीट्यूड निकालना. एम्पलीट्यूड के लिए देखो आप, एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, ये है एम्पलीट्यूड, 2.5 × 10^-0.02x. अब
जिसमें y होगा उसी में कौन होता है एम्पलीट्यूड, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. अब y किसमें है 10^-5 सेंटीमीटर में है, तो एम्पलीट्यूड को भी किसमें लेना पड़ेगा 10^-5 सेंटीमीटर. ये भूल जाते हैं हम, जरा इसको ले लेते हैं एम्पलीट्यूड. अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, y की है, और y की यूनिट्स अगर ये है 10^-5 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड में भी यही आएगा. अब x की वैल्यू कितनी बोली है, एट x इज इक्वल टू 100, तो वैल्यू पुट करिए 2.5 × 10^-0.02 × 100 × 10^-5. ये 100 डेसिमल का, ये कैंसिल हुआ, 10 की पावर कितनी आ गई, सिर्फ -2, इधर क्या आ गई -5, तो टोटल कितनी हो गई -7 सेंटीमीटर. नोट करिए. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके लिए देखो वी हैव द इक्वेशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a sin omega t minus kx. ये equation है हमारे पास. अगर आपने वेव वेलोसिटी निकालनी है या पार्टिकल वेलोसिटी, पहले पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं. पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकलती, dy by dt. पार्टिकल वेलोसिटी के लिए किसको कांस्टेंट रखते हैं हम, x को. x कांस्टेंट होगा तभी किसी पार्टिकल की बात होगी ना, तो हमने x को कांस्टेंट रख के y की डिफरेंशिएशन कर दी. कल भी किया था ये पिछली क्लास में. a as such sin की जगह cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू क्या आ जाएगा साथ में ओमेगा, तो ये बन गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. दिस इज योर पार्टिकल वेलोसिटी वीपी. क्लियर हो गया चीज. उसके बाद हमने नेक्स्ट निकालनी है वेव वेलोसिटी. अब वेव वेलोसिटी निकालने के लिए खुद ब खुद आ जाएगी, उसके लिए आप लोग करोगे क्या, आप y की ना डिफरेंशिएशन कर दो x के साथ, keeping t constant. y की x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और t को क्या रख रहे हैं कांस्टेंट. तो क्या आ जाएगा आंसर में, देखो a sin की जगह cos omega t minus kx. अब एंगल में किसकी डिफरेंशिएशन होगी, माइनस के एक्स की. माइनस के एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस के, क्योंकि t तो कांस्टेंट है. यहां t कांस्टेंट रखा था, यहां x कांस्टेंट रखा था. यहां पे क्या आ गया, dy by dx is equal to माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन वन. उसके बाद अब डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू. क्या आंसर आ गया, बीपी बाय डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू. देखो इसमें ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें भी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. ए और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में कॉमन है, इसमें क्या बचेगा सिर्फ ओमेगा, और नीचे क्या बचेगा माइनस के. ये बन गया माइनस ओमेगा बाय के. व्हाट इज ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के किसकी वेलोसिटी, वेव की. तो ओमेगा बाय के इज वेव वेलोसिटी. तो यहां से रिलेशन क्या आ गया कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई बाय डी एक्स. डी वाई बाय डी एक्स इज व्हाट, dy by dx is slope of yx curve. जो हमारी स्लोप कास्ट, देखो हमने बनाई थी ना ये इक्वेशन, इक्वेशन से ग्राफ ये बना था. दिस इज y, दिस इज x. तो dy by dx क्या होगी, इसकी स्लोप. मान लो मैं अगर आपको बोलूं कि इस पॉइंट पे कितनी स्लोप होगी, कितनी होगी इस पॉइंट पे स्लोप, स्ट्रेट लाइन. तो स्लोप कितनी होगी इस पॉइंट पे, जीरो. स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी होती है, जीरो. इस पॉइंट पे भी स्लोप कितनी होगी, जीरो. स्लोप क्या है बेसिकली, डी वाई बाय डी एक्स. तो आप देखो यहां पे स्लोप जीरो है, यहां पे भी स्लोप जीरो है. अगर यहां स्लोप जीरो है तो पार्टिकल वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो. तो मतलब इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी जीरो है, ये वाले पॉइंट पे भी पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो. और ये कॉमन सेंस की बात है, इस टाइम पे पार्टिकल कौन सी पोजिशन पे है, एक्सट्रीम. ये एक्सट्रीम है ना टॉप की, और ये भी कौन सी है, एक्सट्रीम. और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो. मीन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे क्या होती है, जीरो. तो यहां से हो गया ना प्रूफ, ये भी ये रिलेशन सही है. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी. नोट इट डाउन.